राइट राइट जो कुछ भी था प्यार नहीं था। मैं जानती हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं। आप प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। दरवाजा खोलो रायत, प्लीज। रायत बेटा दरवाजा खोलो। देखिए मेरी बात सुने, जब डैड ने कह दिया है कि ये मुलाजिम नहीं है तो नहीं है। एंड जस्ट बाय द वे, अगर ये मुलाजिम है तो हमारी है और आप लोगों की मेहमान। हजार बार समझाया है कि तुम्हारा घर ये है, तुम्हारे अपने सिर्फ मैं और तुम्हारे अब्बा हैं। वो हमारे मालिकों का घर है और हम उनके नौकर हैं। दादी मैंने आपको लाख दफा बताया, वो मुझे अपनी बेटी जैसा समझते हैं। बेटी समझने से तुम उनकी बेटी नहीं हो जाओगी, रहोगी तुम उनके मुंशी की ही बेटी। क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? तुम पागल हो गई हो? सच तो यह है कि मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। तुम पर तरस खाकर मैं स्टैंड ले रहा हूं तुम्हारे लिए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मेरे पास पैर की है। रायत क्या हरकत है ये? क्या हरकत है? एक इंसान थोड़ी देर के लिए आराम नहीं कर सकता? आराम कर लो, लेकिन बदतमीजी से बात तो मत करो। अम्मी मैं थका हुआ आया हूँ, सोना चाहता हूँ, और आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं और ऊपर से कह रही हैं कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। राय तुम गलत बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं ही गलत समझता हूँ, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है ना मॉम, जैसे आसमान से अकल लेकर उतरे। राय तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो, मैंने क्या किया? अच्छा यानी अब मैं बात को बढ़ा रहा हूँ, आप ये कह रही कि मैं एग्जैजरेट भी करता हूँ, पागल लगता हूँ मैं? नहीं बेटा मेरा ये मतलब नहीं था। फिर जो आप लोगों का मतलब होता आप लोग वही बात उस वक्त क्यों नहीं कहते? पहले कोई बात करते हैं फिर उसका मतलब जताने बैठ जाते, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? किस तरह से बात कर रहे हो रायत? अम्मी कोई हंसकर बात कर ले तो लोग उसे फ्लर्ट समझते हैं, कोई सिंपैथी करता है उसे मोहब्बत समझ ले, और कोई सोने की कोशिश करता है तो उसे बदतमीज कहते हैं। रायत तुम ये क्या हाल किया हुआ है तुमने कमरे? ये किसका रूम है मॉम? ऑब्वियसली तुम्हारा है। तो फिर मेरा रूम है, मेरी मर्जी, जो मैं करूं, मेरी जिंदगी है ना, प्लीज मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत करें। ओके दैट्स एनफ, होश में नहीं हूं। हाँ अम्मी मैं होश में हूं या नहीं हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्लीज जाएं, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूं, अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड।